चालू है। लगभग 10 वर्ष नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार के पूरे हुए, भाजपा नेतृत्व के पूरे हुए हैं, उसकी तुलना और उससे पहले के यूपीए के शासन, देश की संसद को भी होनी चाहिए और संसद के माध्यम से देश के आम मतदाता को, आम जन को उसकी जानकारी होनी चाहिए। इस नाते सुरक्षा की जारी करने के लिए अर्थव्यवस्था में सुधार लाने के लिए 2014 में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में भाजपा की सरकार बनने के बाद सुधार के लिए किस किस प्रकार के प्रयास किए गए, इनकी भी जानकारी देश की संसद और आम जन को इसको उपलब्ध कराने के लिए इसकी योजना बनाई गई। राष्ट्रीय और राजकोषीय जिम्मेदारी और उसके साथ साथ उनकी सर्वोच्चता, उसके व्यापक स्तर पर किस किस प्रकार के प्रयोग किए गए, किसी सफलतापूर्वक उनके परिणाम निकले, इसकी भी जानकारी लोगों के सामने हो, इसका एक उद्देश्य लेने के चलने का काम, नई प्रेरणा, नई चेतना और नए संकल्पों के साथ हम 2047 में जिस अमृत योजना को लेकर के चल रहे हैं, जिसे भारत का पूरा आजादी के 100 साल पूरे करके 70 साल पूरे करने की बात करते हैं, उस कल्पना को लेकर के उसके लिए हम किस तरह की योजना बना रहे हैं, इस पूरे श्वेत पत्र के पीछे उद्देश्य को लेकर के काम करने का एक पूरा रहा है। मैं कह सकता हूँ इस बीच में एक दृढ़ इच्छा शक्ति थी, जहाँ मैं पिछली बार देखा कि 2004 से 14 के बीच में एक कमजोर नेतृत्व था और कमजोर नेतृत्व का परिणाम मैं देखा है कि संसद के ऊपर खुद यूपीए की सरकार जिन प्रस्तावों को, जिन बिलों को लेकर के आती थी, कांग्रेस का सदन में बैठा हुआ उनका सोकोल जो नेतृत्व था वही संसद के अंदर ही उन बिलों को फाड़ देता था, एक प्रकार इस प्रकार का नेतृत्व था। और दूसरा नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में के नाम के रूप में जिस प्रकार का नेतृत्व आज भारत के पास है, उस सब का परिणाम है एक दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ, राष्ट्र प्रथम इस भाव के साथ, आम आदमी को अंत्योदय की भावना के साथ उसके जीवन स्तर को कैसे ऊपर उठा सकते हैं, एक लक्ष्य को लेकर के सुरक्षा के नाते से आंतरिक और बाह्य सुरक्षा, उसके लिए जिन जिन चीज़ों की उपलब्धता की जरूरत है उसके लिए नीतियाँ बनाना और पारदर्शी तरीके से उन नीतियों को अमल में लाने का काम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने किया, इसका एक परिणाम है उनके संसाधनों का राष्ट्रीय हित में उपयोग कैसे कर सकते हैं, एक स्पष्ट रूप से इन 4 से 14 के बीच में, मैं 4 से 14 के बीच में अपने सबके सामने उदाहरण आता है कि बैंकों में ऋण का जो घाटा था वो इस बुरी तरह से बिगड़ा कि 14 आते आते अधिकांश बैंक बंद होने की कगार पर पहुंच चुके थे, एनपीए अपनी सर्वोच्चता पर पहुंच चुका था, और 14 से 24 के बीच में जब राष्ट्र प्रथम और आम आदमी के हित चिंता में था, बैंकों को जहाँ जीवित करने का विषय था वहाँ आम आदमी को अधिक से अधिक सरल रूप से ऋण उपलब्ध करा सके, इसकी भी एक दृष्टि सरकार की नज़र में थी। उसी में चाहे स्टार्टअप योजना हो, युवाओं के लिए मुद्रा योजना लेकर के आने वाली बात हो, जिसमें आम हम युवा को प्रेरित कर सकें कि राष्ट्र के हित में अपनी शिक्षा का उपयोग कर सके, अपने ज्ञान का उपयोग कर सके, अपने हुनर का उपयोग कर सके, इस सब को खड़ा करने का काम 14 से 24 के बीच में नरेंद्र मोदी के बीच में सरकार ने किया। जीएसटी का संग्रह हम कह सकते हैं कि 2018 से जहाँ 9,000 करोड़ था वो अब 2024 में 1.7 लाख करोड़ पर पहुंचा है, कि नरेंद्र मोदी की सरकार के समय एक वित्तीय प्रशासन के नाते से हम कह सकते हैं कि अच्छे प्रयास। 2014 में जब भारत में सरकार बनी थी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उसमें संपूर्ण देश में एक निराशा का वातावरण, मैं केवल आर्थिक जगत की बात करूंगा, सुरक्षा और सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में युवाओं में डर था कि हम क्या रोजगार की स्थिति पा सकते हैं क्या, बैंकों की स्थिति मैंने बताई कि बैंकरप्सी की स्थिति पर बैंक पहुंच चुके थे, स्थिति ये थी कि उन 2014 के कालखंड में आम आदमी निराश था, बाजार मंदी के दौर में निकल रहा था, रोजगार की व्यवस्था नहीं थी, किसान को उसकी फसल का मूल्य नहीं मिलता था, उसकी कोई बात तो होती थी लेकिन मजदूरी की बात निकल करके नहीं आती थी, उस सब के दौर के बाद इस निराशा के वातावरण को नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत की सरकार ने एक विश्वास के वातावरण में खड़ा किया कि आज भारत, जब कभी कहते थे कि भारत हम पिछली 12वीं अर्थव्यवस्था में थे,
इन 10 वर्षों के कालखंड में दुनिया की पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था आगे खड़ी हुई है और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने इस बात का विश्वास व्यक्त किया है कि 2027 आते आते भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगी। ये विश्वास इन 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में खड़ा हुआ है। आर्थिक प्रबंधन, अदूरदर्शिता और राजकीय घाटे 2004 से 2014 का कालखंड हम सबको जानकारी है। भ्रष्टाचार की भेंट पूरा था, चाहे वो कोयला घोटाले की बात हो या कॉमनवेल्थ के घोटाले की बात हो, स्पेक्ट्रम की नीलामी का घोटाला हो या एक अलग तरह के और घोटाले, एक चर्चा थी एक एक करके मंत्री तिहाड़ जेल में जाने, वो 2004 से 2014 का कालखंड था और 2014 से 2024 के कालखंड में भ्रष्टाचार के ऊपर पूरी तरह समाप्ति और करप्शन के ऊपर नो टॉलरेंस की नीति, जिसको नरेंद्र मोदी ने बार बार कहा है, उस नीति को केवल घोषणा नहीं, केवल वादा नहीं, बल्कि धरातल पर उतार करके हम इन सब चीज़ों के माध्यम से आज जो करप्शन को रोकने की बात की, उस सब के माध्यम से डिलीवर करने की थी, जो करप्शन को रोक रहे हैं उन सबको डिलीवर करने की थी, इन 4 वर्ष 10 वर्षों के कालखंड में निकाल करके लेके आए। आधारभूत ढांचे के निर्माण की स्थिति के जो सड़कें पहले कभी 12 किलोमीटर प्रतिदिन बनती थी, वो आज 27 किलोमीटर प्रतिदिन नेशनल हाईवे का निर्माण इस पूरे 10 वर्ष के कालखंड में निकल करके आ रहा है। मैं कुछ सुनना सामने रख सकता हूँ कि नरेंद्र मोदी के सरकार में काम की स्थिति क्या है। 2013-14 में जो सरकार बनी थी उसमें प्रधानमंत्री आवास योजना की स्थिति 2.1 करोड़ कुछ मकान उसमें थे, अभी बढ़कर के 2.6 करोड़ मकान पहुंच चुके हैं। शौचालयों का निर्माण केवल 1.8 करोड़ था, जो अब 11.5 करोड़ अभी 24 के अंदर निकालते हैं, आपने उसको पहुँचा है। असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए किफायती पेंशन जो केवल 36.4 लाख थी, अभी बढ़कर के 6.1 करोड़, मैं शब्दों में बात कर रहा हूँ, या 36 लाख और कहा 6.1, लगभग 200% की बढ़ोतरी इस एक क्षेत्र में। न्यूनतम शून्य वाली राशि बैंक खाते, जो हम कहते हैं जीरो बैलेंस पर खाते खोलो, जो जनधन खाते की बात नरेंद्र मोदी जी ने की और उसमें विभिन्न प्रकार की सब्सिडी देने की बात करने का काम किया, पहले केवल 10.3 करोड़ थे, अब ये बढ़कर के लगभग 51.6 करोड़ बैंक खाते पहुँचने का एक लग, मैं कह सकता हूँ कि 500% की बढ़ोतरी इस पूरे गवर्नमेंट में होने की बात की है। ग्रामीण विद्युतीकरण की बात करें, जब 2024 नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी थी तब कहा था कि 2019 तक हम प्रत्येक गांव को बिजली से जोड़ने काम करेंगे और इस टारगेट को दिसंबर 2018 में पूरा करने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया और अब प्रत्येक घर में बिजली का कनेक्शन इस संकल्प के साथ नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, जिसको 2024 तक का टारगेट है देश भर में। उस समय 2.15 करोड़ आवास में बिजली का कनेक्शन था, जो बढ़कर के 2.86 करोड़ आवास पर पहुंचा है। ये भी कुछ जहां पिछले इस कालखंड में भाजपा शासित सरकार ले रहे विरोधी दल सरकार है, उन्होंने जो नीति बनाई, इस नीति के कारण से परिणाम ये निकला कि जहां स्लोडाउन की नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो सरकार थी, चाहे विद्युतीकरण की योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना की बात नहीं होगी, या फिर हर घर नल से जल पहुँचाने की, इसके परिणाम रहे कि वहाँ स्लोडाउन हुआ। अगर उन सरकारों का देश के हित में सही तरह से योजना को सहयोग करने की बात होती तो ये आंकड़े कहीं और पहुंच सकते थे। इस सब के कारण से हम ये कह सकते हैं कि भारत में भ्रष्टाचार के लगाम के बाद उसमें रक्षा क्षेत्र में जितने समझौते हुए, हमने रक्षा क्षेत्र में खरीद की जितनी बातें हुई, एक तरफ वो सब पारदर्शी तरीके से लगातार उनको खरीद खड़ा करने का काम किया और उसमें भी बहुत कुछ प्रयास हुआ है कि हम कैसे अपने देश में इन सबका निर्माण कर सकते हैं। हम सब जानते हैं कि किकबैक्स की बातें कई बार बहुत बड़े पैमाने पर चलती थी, एक तरह से उस सब को पारदर्शी करने का काम हुआ और दूसरी तरफ इन सब में हम कैसे अपने देश में इन सब का निर्माण खड़ा कर सकते हैं, इसकी योजना बनाने का काम किया। आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम लगातार भारत की प्रतिष्ठा हर स्तर पर बढ़ने की बात इन 5 साल के कार्यकाल में हुई है। भारत के रुपये की वैल्यू बढ़ी है, रुपये कार्ड का उपयोग लगातार देश में बढ़ा करके हमने GDP में उसका योगदान कैसे बढ़ा सकते हैं इसको सुनिश्चित करने का काम किया है। आज अंतरिक्ष में जाने की बात, चंद्रयान की बात, इन सबको भी इस कालखंड में पूरा करने का काम किया।
कभी कोयले के घोटाले की चर्चा होती थी, उनका आवंटन होता था, अब उन्हीं कोयले के लोग कहीं उसको कहीं भी आज लॉटरी के माध्यम से निकालने की बात करके हम पारदर्शी तरीके से निकालने की बात और उसका अधिकतम उपयोग हो सके इसको सुनिश्चित करने का काम किया है। इस श्वेत पत्र के माध्यम से नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उन सारे काले अध्यायों को जनता के सामने रखा। इन 10 वर्षों में 14 से 24 में अपनी सरकार के आर्थिक प्रबंधन, आर्थिक दृष्टि, आर्थिक दूरदर्शिता और 2047 में जब भारत अपने 100 वर्ष पूरे करेगा उसकी कल्पना का आधारभूत ढांचा तैयार करने की दृष्टि भी देश के सामने रखने का काम किया है। मैं ये सब आपके